محمد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وأله الأطيبين الأطهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بِنَبَئٍ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين صدق الله العلي العظيم नाजिर नगरामी अ वर्क आप की खिदमत में हमारी गुफ्तु जारी है क़ुर मजीद के सरह हजार से मतलब सरह हजरात के अखलाक़ी पैगाम केनवान से इससे पहले वाली एपिसोड में हम छः नंबर की आयत पर कुछ गुफ्तु आप हजरात की ख़िदमत में पेश कर चुके हैं और इन आज इस एपिसोड में छः नंबर आयत से ये जो आयत हमने तिलावत की है जो हमें दर्स मिलता है पैगाम मिलता है और मैसेजेस मिलते हैं हम उनको आप हजरात की ख़दमत बाबरकत में पेश करेंगे सबसे पहला पैगाम और सबसे पहला दर्स जो इस आयत से हमें मिलता है या इस सूरे से हमें मिलता है वो ये कि हम जब भी किसी को कोई दस्तूर दें कोई हुक्म दें किसी से ख़िताब करें किसी से मुखातब हों तो अदब व एहतराम से ख़िताब करें अदब एहतराम से बातचीत करें अबे तबे कह के या तू तड़ाक से गुफ्तगू ना करें इसलिए कि अगर हम बेअदबी से गुफ्तु करेंगे बेहतरामी से बातचीत करेंगे तो उसके अंदर जिद पैदा हो जाएगी लिहाजा अगर हम किसी जवान से मुखातब हों तो उस जवान को समझाते हुए जो लहजा हमारा होना चाहिए ऐ मेरी कौम के जवानों तुम इस कौम का मुस्तबिल हो या अगर बुज़ुर्गों से मुखातब हों तो इस तरीक़े से हमारी गुफ्तगु होना चाहिए कि ए मेरी अम के बुज़ुर्गों ए हमारे समाज के बुज़ुर्गों अगर तुम नहीं समझोगे तो इस कौम के जवानों का क्या होगा लहाज़ा अदब और अहतराम का ख्याल रखना चाहिए बे से किसी के साथ गुफ्तु नहीं करना चाहिए दूसरे जो इस आयत से हमें और आपको पैगाम मिलता है वो ये कि क़ुरान मजीद की निगाह में तमाम के तमाम अहब या सहबा आदिल नहीं हैं जबकि हमारे बरदरान अहिल सुन्नत ये कहते हैं कि जितने भी असहाब हैं जितने भी सहबा हैं सब के सब आदिल हैं उनसे कोई गलती या ख़ा का इम्कान नहीं है जबकि रसूल और आइम्मा के सिलसिले में इसमत के काल नहीं हैं लेकिन तमाम अब को आदिल मानते हैं और आदिल गर्दानते हैं मगर इस आयत से साफ वाज है कि नबी के बाज़ अब फासिक भी हैं और मुनाफिक भी हैं हो सकता है कि इस जुमले को सुनने के बाद आप हजरात में से किसी के सफाए जहन पर ये सवाल उभरे कि सहाबा कैसे फासिक हो सकते हैं और साहबा कैसे मुनाफिक हो सकते हैं तो कुरान मजीद ने इन दोनों लफ्ज़ों पर दलील भी दी है अगर मुनाफिकीन को देखना है तो खुद सूरह मुनाफिकून गवाह है लेकिन अगर फासिक को देखना है तो खुद यही सूरह हुज़रात या सूरह बकरा की बाज़ आयतें उनके फासिक होने पर दलालत करती हैं तीसरा पैगाम और तीसरा मैसेज ऐसे अफराद कि जिनका काम माशरे में फितना और फसाद फैलाना हो तो ऐसे इंसान को आम करने या उसका चेहरा समाज के सामने लाने में किसी तरीके का कोई हरज कोई मुजायका और कोई गुनाह नहीं है जाहिर सी बात है जो फितना और फसाद फैला रहा है ऐसे इंसान को माशरे के सामने लाना चाहिए और उसको पहचानवाना चाहिए कि ये किस किस्म का इंसान है हत्या ऐसे इंसान की कीमत भी जायज है जो माशरे में फितना और फसाद फैलाता हो फितना और फसाद यानी जिसकी बात की वजह से कोई घर कोई खानदान कोई कबीला कोई समाज कोई माशरा गुमराही का सबब बन जाए और गुमराह हो जाए आप नाम लेकर भी ऐसे इंसान की बुराइयों को माशरे में बता सकते हैं कि मसलन फला इंसान फला मकाम पर नमाज का मजाक बना रहा था रोज़े का मजाक बना रहा था जिहाद और जक़ात का मजाक बना रहा था मरजयत की मुखालफत कर रहा था ऐसे इंसान को माशरे में आप नाम लेके भी बयान कर सकते हैं चौथी चीज़ इस्लाम एतमाद एतबार और भरोसे को असलो असास समझता है और असल समझता है जिंदगी गुजारने की असलो असास समझता है जाहिर सी बात है जब हमारे यहाँ एक दूसरे पर भरोसा एक दूसरे पर एतमाद और एतबार हम करेंगे तो तभी जाके हमारी जिंदगी कुछ आगे बढ़ सकती है लिहाजा अगर हमें और आपको अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है तो हमें एक दूसरे पर भरोसा भी करना होगा लेकिन अगर ये मालूम हो कि बाप फासिक है बेटा फासिक है दोस्त फासिक है कोई अजीज़ फासिक है तो फौरन उसकी बात नहीं मान लेना चाहिए बल्कि पहले तहकीक करना चाहिए कि खबर कहां तक सही है यह बात जो मेरा भाई कह रहा है मेरा दोस्त कह रहा है यह कहां तक सही है कहीं ऐसा ना हो कि हम इसकी बात पर यकीन करके कोई इकदाम उठा लें और इकदाम कर ले और फिर बाद में हमें शर्मिंदा होना पड़े कि यह हमने क्या कर दिया पहले हमें तहकीक करना चाहिए थी पांचवा पैगाम हम चाहे फासिक की फ़िक्र में हो या ना हो लेकिन फासिक हमेशा उल्टी सीधी बातों के जरिए मोमिन को सही रास्ते से हटाने की कोशिश में लगा रहता है उसका सारा हम गम और सारी कोशिश और सारी जिद्दोजहद यही होती है कि कब किसको अपना शिकार और अपना लुकमा बनाया जाए किसी की कोई बात बस हाथ लगे और हम फौरन जाके उसको माशरे में बयान करें छठा पैगाम हर खबर को न मान लें कि फलां जगह ऐसा हो गया है आज के ज़माने में लोग तोड़ मोड़ कर कैसे हालात को पेश किया जाता है जितनी भी खबरें होती हैं उन खबरों में हंड्रेड परसेंट सच नहीं होता है बल्कि लोग जो खबर रसा होते हैं वो उनको तोड़ मरोड़ कर न जाने लोगों के सामने कैसे पेश करते हैं झूठी खबर को सच्ची बनाकर पेश करते हैं और सच्ची खबर को झूठी बना के पेश किया जाता है गलत को सही बना दिया जाता है और सही को गलत बना दिया जाता है लिहाजा हमारी जिम्मेदारी है कि हम हर खबर को फौरन न मानने बल्कि पहले तहकीक करें मालूम करें उसके बाद देखें कि यह खबर सही है या नहीं सातवां पैगाम इस्लामी समाज और इस्लामी माशरा हर वक्त उल्टी सीधी बातों की जद पर है कहा जाता है ना कि नमाज से क्या लेना देना नमाज की क्या बात करते हो या मसलन इधर उधर की बातें ना करो बस सिर्फ और सिर्फ नमाज पढ़ो नहीं जद का मतलब यह है कि उल्टी सीधी खबरें उस तक पहुंचाती पहुंचाई जाती रहेगी लिहाजा ये क्यों पहुंचाई जाएंगी ताकि इस्लामी समाज कमज़ोर हो और इस्लाम को मानने वाले मुसलमान कमज़ोर हो, लिहाजा हमको कमज़ोर करने के लिए हमेशा गलत बातों का सहारा लेके इस्लाम को कमज़ोर करने की कोशिश की जाती रहेगी इधर उधर की बातें करने से कोई की कोई ज़रूरत नहीं है बस खाली नमाज़ पढ़ो रोज़ा रखो और हज के लिए जाओ मसलन जियारत के लिए जाओ लिहाज़ा ज़रूरत है इस बात की कि लोग होशियार रहें खबरदार रहें आगाह रहें ताकि इस्लामी समाज कमज़ोर न होने पाए और हर खबर पर एतबार न करें आठवीं चीज़ इजतमाही और समाजी खराबियों का इलाज उम्मत की बेदारी और उम्मत की होशियारी ही है जितनी उम्मत आगा और बाखबर होगी उतना ही समाज और माशरा खराबियों से और इनहराफात से महफूज रहेगा इनहराफ यानी इनहराफ यानी मुनहरिफ होजाना इनहराफ यानी कजरवी सीधे रास्ते पर चलते हुए इंसान के लिए किसी गलत रास्ते को इख्तियार कर ले गलत अक़ीदे को एक्सेप्ट कर ले इसी को कहते हैं मुनहरफ हो जाना या इनहराफ लिहाजा किसी भी खबर को मानने से पहले उस खबर के बारे में तहक़ीक करें मालूम करें कि कौन सा रास्ता हक़ है और कौन सा रास्ता बातिल है कौन सा रास्ता सही है और कौन सा रास्ता ग़लत है अगर फासिक की बात मानकर किसी गलत रास्ते को इख्तियार कर लिया तो फासक तो खुश हो जाएगा क्यों इसलिए कि जो वो चाहता था वो हमने कर दिखाया है वो हमने कर लिया है फासिक चाहता था कि हम सही रास्ते को छोड़ के गलत को इख्तियार कर लें तो लिहाजा वो तो खुश हो जाएगा और फिर याद रखने वाली बात यह है कि फासिक कभी कभी खुद सामने आके हमला नहीं करता है बल्कि वो तो बस पीछे से शोशा छोड़ता है और उसके शोशा छोड़ने की वजह से माशरे में बुराइयाँ और ख़राबियाँ आम हो जाती हैं लेकिन अगर कौम बेदार होगी और कौम बाख़बर होगी और माशरा और समाज बेदार होगा तो वो सोचने पे मजबूर होगा कि हम जो शोशा छोड़ने जा रहे हैं इस पर कभी इसे कभी तक भी कोई कौम अमल नहीं कर सकती क्यों इसलिए कि कौम बेदार है बाख़बर है आगा है बेहिस नहीं है गफलत की नींद में नहीं है लिहाजा यहां पर मैं एक जुमला और कहना चाहता हूं किसी के नाम और टाइटल को देख के हमें मरऊब नहीं होना चाहिए बल्कि हमें तहकीक करना चाहिए जस्तजू करना चाहिए छानबीन करना चाहिए कि अगर हमारे दरमियान कोई इंसान आ रहा है एक अच्छे नाम का सहारा लेके तो उसके आने का मकसद क्या है उसके यहाँ आने का हदफ क्या है वो क्यों आया है क्या करना चाहता है उसके इकदाम क्या होंगे लिहाजा इस शूर में और इस आयत में हमें पैगाम यही दिया गया कि हर आने वाली ख़बर पर आंख बंद करके फ़ौर यकीन नहीं करना चाहिए बल्कि हमारी ज़िम्मेदारी है कि पहले हम उस आयत की तहकीक़ करें उस खबर की तहकीक करें और उस खबर की पहले हम छानबीन करें और फिर अगर हमें सही लग रहा है तो उस खबर को माने वरना उसको ठुकरा दें दुआ है परवरदिगार से कि परवरदिगार हमें इन तमाम क़ुरानी तालीमत पर और इन तमाम सुर हजरात के आदाब पर अमल पैरा होने की तौफीक तो इनायत फरमा व आखिर अनिलहमद रबालमीन वसल व